सभी खाने के शौकीन और गली मोहल्ले में स्वाद को ढूंढने वालों को पंचमेल का प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर आपके पास लेके आए हैं एक और गली का स्वाद। जी हाँ, देखिए जहाँ तक मेरी नॉलेज है, सबसे पुराने बर्गर बनाने वाले और टिक्की बनाने वालों में से मशहूर खन्ना जी बर्गर वालों के पास हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर करीब मेन बिजनौर से, मतलब शक्ति के चौराहे से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर पड़ता है, जिसे गणेश चौक के नाम से जाना जाता है। वहीं पे खड़े होते हैं हमारे खन्ना जी बर्गर वाले। लगभग 2002 से बर्गर बना रहे हैं ये। 20 साल इन्हें बर्गर बनाते हुए हो गए, या ये कह लीजिए कि जब बिजनौर में बर्गर की शुरुआत हुई थी तब बर्गर बनाने की सबसे बड़ी पहल इन्होंने ही की थी। 5 रुपये के बर्गर बनाने के सफ़र से लेके आज भी ये अपना बर्गर बहुत ऊँचे दामों में नहीं, लगभग 20 रुपये का बर्गर बनाते हैं। 25 रुपये में आपको डबल टिक्की बन जाएगा और लगभग 25 रुपये में ही आपको मियोनी बर्गर मिलेगा। इनके स्वाद के चर्चे यहाँ पर आसपास में सभी जगह मशहूर हैं। तो देखते हैं कैसा है इनका स्वाद। तो खन्ना जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। अच्छा, हम आपके आभारी हैं। और सबसे पहले खन्ना जी, आप मुझे बता सकते हैं कि लगभग आपको कितना टाइम हो गया ऑफिशियल ही बर्गर बनाते हुए? लगभग बर्गर बना रहा हूँ 2000 से। अच्छा सर, 2000 से लगा रहा हूँ। 95 से, 1995 से, यानी कि अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो लगभग 97, 5, 15, 27 साल, लगभग 27 साल आपको अपने हाथ का स्वाद खिलाते हुए यहाँ पे लोगों को हो गए हैं। और खन्ना जी, मैंने सुना है कि आप क्या क्या लगाते हैं वैसे यहाँ पे? टिक्की बर्गर। ठीक है खन्ना जी, पहले तो मैं चाहूँगा कि फटाफट आप 2 बर्गर हमारे लगा दीजिएगा। ठीक है, बर्गर में कौन कौन सी वैरायटी लगाते हैं खन्ना जी आप? मेयोनीज का है, डबल टिक्की का है, सिंगल टिक्की का है, पनीर का है। पनीर, मेयोनी, डबल टिक्की और सिंगल टिक्की। तो खन्ना जी, पहले तो मैं चाहूँगा कि एक आप डबल टिक्की का और एक मेयोनी बर्गर आप यहाँ लगा दें। आपको कितने बजे आ जाता है खन्ना जी आप? लगभग 5 बजे से 9 बजे तक। 5 बजे से 9 बजे तक। और लगभग कितने बर्गर बिक जाते होंगे? लगभग 120 बर्गर। वाह भाई वाह, 4 घंटे में लगभग 120 बर्गर। देख लीजिएगा, ये किसी एडवर्टाइजमेंट के मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 120 बर्गर यहाँ पे बिक रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग हैं यहाँ पे स्वाद के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर 2 ग्राहक और बैठे हुए हैं जो बहुत ही शानदार तरीके से लुत्फ़ उठा रहे हैं खन्ना जी के बर्गर का। इन्हें भी हम नोटिस करेंगे, पूछेंगे कि भाई स्वाद इन्हें खन्ना जी का कैसा लगा और लगभग कब से यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, पहले ग्राहक के पास जाते हैं, इतने हमारा बर्गर लगभग तैयार हो जाएगा। चलिए, हाँ तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? फरमान। फरमान, फरमान जी, आपको लगभग कितना टाइम हो गया यहाँ पे बर्गर खाते हुए? 1 साल। 1 साल। तो फरमान जी, जैसे कि मैंने सुना है कि भाई KFC वगैरह भी यहाँ पे होते हैं, आप इसी कॉर्नर पर बर्गर खाने आए हैं स्पेशली, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बात होगी। क्या आप अपने हिसाब से बताएंगे कैसा टेस्ट है? जबरदस्त जी। चलिए चलिए, बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पसंद आया? बर्गर। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर, इधर देखिएगा आप कि मिट्टी की सुराही में कुछ हरी चटनियाँ सी रखी हुई हैं। खन्ना जी, इसके इस बारे में स्पेशलिटी आप मुझे बताएंगे? इसमें हरा धनिया है, हरी मिर्च है, पुदीना है, काला नमक है, इमली का पानी है। अच्छा, ये मतलब आपकी अपनी बनी हुई है? हाँ, सारी अपनी बनी है, ये भी। चलिए चलिए खन्ना जी, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर मैं इसका टेस्ट भी लेता हूँ तो कहीं से कहीं तक ये मुझे नुकसान नहीं देगी और हमारे अलावा कहीं मिलेगी भी नहीं है। बहुत बढ़िया खन्ना जी, चलिए शुरुआत करते हैं आप जल्दी से खाने की। बाईस साल इनको हो गए, 25 साल मुझे खाते खाते हो गए, पर टेस्ट नहीं बन रहा। लाजवाब।